हिमाचल सरकार ने मंगलवार को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 4000 युवाओं की भर्ती प्रक्रिया इसमें लंबित पड़ी है, इससे इन युवाओं का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूरा करने की बात कही है, लेकिन इससे युवाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, सुनिए। आप पूछ रहे हैं, जो पिछले कल उनने पहले तो कमीशन को सस्पेंड किया था और सस्पेंशन के बाद अब उसको समाप्त कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है। अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्यवाही करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। को लेकर के नहीं कहना है और इस सारे विषय को लेकर के, क्योंकि जांच की प्रक्रिया चली है अभी तक और जांच की रिपोर्ट जो है पूरी आएगी तभी तक, तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और पहले ही हम उस पर कहना शुरू कर दें तो उचित नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रकार से कमीशन को बंद करके मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं वो भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, जिसको पूरा प्रदेश का नौजवान भी जानना चाहता है, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है। क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही हो।